तो दोस्तों अंदर आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भी दिखाया जा रहा है, और उड़ाने वाले हैं अभी हेलीकॉप्टर को, ये पायलट हैं, ये उड़ाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरोप्लेन जा रही है। तो दोस्तों अभी हम फाइनली चिड़ियाघर के पास पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं यही गेट है, एंट्री गेट, और यहाँ पे टिकट काउंटर है। तो चलिए चलते हैं, पहले टिकट खरीदते हैं और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि अंदर कौन कौन सा जानवर अवेलेबल है, और अंदर का अच्छा तरह से व्यू दिखाएंगे और सारे चीज़ आपको समझाएंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे एंट्री टिकट 30 रुपये है और बच्चा लोग का 10 रुपये लगता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कौन कौन सा जानवर अंदर अवेलेबल है, कौन कौन सा जानवर दिखाई देगा। आप यहाँ पे टिकट दिखा करके दोस्तों एंट्री कराया जाता है। तो हम भाई जी को टिकट देते हैं और चलते हैं अंदर। यहाँ पे स्कैन होता है, उसके बाद ही अंदर एंट्री होता है। दोस्तों इसका व्यू तो एकदम मस्त है दोस्तों, क्योंकि ये जो पेड़ पौधा लगाया हुआ है ना, ये प्राकृतिक चीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो चलिए चलते हैं अब और अंदर। तो दोस्तों अंदर आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भी दिखाया जा रहा है, और उड़ाने वाले हैं अभी हेलीकॉप्टर को, ये पायलट हैं, ये उड़ाएंगे और ले जाएंगे। पुष्पा झुकेगा नहीं वहाँ तक। एक खूबसूरत लगने के लिए यहाँ पे शो में बनाया गया है, ये कुछ उड़ता उड़ता नहीं है दोस्त, ऐसी मजाक कर रहा है। बता दूँ कि पहले ट्रेन से भी घुमाया जाता था, पर ये सब बंद हो चुका है, काफ़ी पुराना हो गया है सब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मंकी है पांदर। चाहो चाचा नोटबुक आ, ए खाखा के खाली मोटाई थू मार देती हैं। अभी हम उल्लू वाला एरिया में आ चुके हैं, इसके अंदर जाएंगे। तो इसके अंदर ही अभी थे और बाहर आ चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट जानवर आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हॉग डियर है, हिरन का ही प्रजाति होता है, यह है सारा चीतल। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जेबरा है, एक ये जेबरा जेबरा जेबरा। मैं अब आप लोगों को तेंदुआ बिल्ली दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं जंगली बिल्ली है। अच्छा आ जा, आ जा भीरू, चलो चलो नहीं यार घर चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहा है इतना दिन से? यही गेंडा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मास्टर मारते थे स्कूल में तो बोलते थे ये गेंडा है क्या तू, तो सही रियली में आज हम गेंडा देख लिए। देख सकते हैं यही गेंडा है दोस्तों। बता दूं कि चिड़ियाघर में अगर आपको घूमते घूमते भूख लग जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंटीन का भी व्यवस्था है। आप चलते हैं बोट पे दोस्तों, देख सकते हैं इसका प्राइस है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे सारा बोट है, पर ये सारा बुकिंग हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं बोट है, काफ़ी लंबा चौड़ा और दूर में बनाया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे टिकट नहीं मिल रहा है, टिकट सारा बुक हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये मगरमच्छ है, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जिराफ है, ये देखिए यहाँ पे लगभग 3 है। तो आप लोग ये मछली कभी नहीं देखे होंगे, आप देख सकते हैं ऊपर एक कैटलेक है और नीचे में ये ओरिजिनल मछली है पानी के अंदर। दोस्तों मछली घर में अंदर जाने से पहले मैं बता दूं कि मछली का मुंह में घुस कर जाने पड़ता है, मछली का मुंह के ही अंदर द्वार है। तो वीडियो में रहे दोस्तों, अभी और भी चीज़ आप लोग को दिखाना बाकी है। मछली के मुंह में अंदर घुसते हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं, यानी कि मछली का अभी पेट में है अंदर। तो आपने मछली तो बहुत देखा होगा, लेकिन इस तरह का मछली नहीं देखा होगा, ये रंग बिरंगी मछली, सतरंगी मछली। ये देखिए मछली, ये रहा मछली, काफ़ी ज़्यादा मछली यहाँ पे, मछली का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है अंदर। देखिए मछली 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 मछली, देखिए रंगीन वाला मछली। तो देखिए दोस्तों ये नन्हे मुन्ने बच्चे मिले हैं, ये मछली घर में आए हैं। तो छोटी छोटी तुम बताओ मछली अच्छा लगा तुमको देखकर? तुमको मछली अच्छा लगा देखकर? बोलो इसमें बोलो। हाँ। अच्छा लगा ना? और तुम क्या क्या देखी, कछुआ देखी? हाँ। नहीं देखी तुम? हाँ। अच्छा तुम बताओ छोटी, तुम मछली देखी? देखी ना, बोलो मछली जल की रानी है। नहीं बोलोगी? बोल नहीं रही है, उनके पेरेंट्स लोग हैं सर। तो इसके अंदर एक झूला भी है, सस्पेंशन झूला बोलिए, ये हिलता है, सिर्फ रस्सी पे टांगा हुआ है। तो हिल रहा है रियली में, सच्ची में। तो फाइनली दोस्तों सरदार जी मिले हैं। यस बॉस।
तो भैया आप लोग कहाँ से हैं? हम पंजाब से हैं। पंजाब से? यस बॉस। अच्छा, आप लोग को चिड़ियाघर में आके कैसा महसूस हुआ? बढ़िया महसूस हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है। मिला तो आपको टाइगर मिला देखने को? हाँ, पहले मिला था, अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला, चलिए ठीक है। तो दोस्तों, बाघ टाइगर मिला ही नहीं देखने के लिए, कैटलॉग आप देख के तसल्ली कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत काफ़ी दूर से मैं आया था यार, औरंगाबाद जिला से आया हूँ पटना। सोच सकते हो कितना टाइम लगा होगा आने, और अभी मुझे जाना भी है, शाम के लगभग 5 बज चुका है। चलिए जब जाएंगे घर। बाय बाय।